पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। तो पूरे ही चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आए, विरोधियों पर जमकर उबरसे, कई मुद्दों को लेकर खास तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरा गया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी सातों चरणों में जमकर प्रचार किया गया है पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में। एक बार फिर से राजनाथ सिंह की ओर से और जेपी नड्डा की ओर से विपक्षियों पर, विरोधियों पर जमकर जुबानी प्रहार किए गए हैं। लोगों ने मजाक बनाया, इनके चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश जी और राहुल जी, जिनको गरीबी मालूम नहीं है, इन्होंने मोदी जी की बात का मजाक उड़ाया। इनको मालूम ही नहीं था कि 130 करोड़ की जनता में 3.25 करोड़ लोग ही हैं जो बैंक का फायदा लेते हैं। कारण क्या था कि गरीब तो बैंक में जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके जेब में पैसा ही नहीं था कि वो उसका लाभ उठा सके। उसको गारंटर नहीं मिलता था, गारंटी देने वाला। मोदी जी ने कहा बिना पैसे के खाता हम खुलवाएंगे और तुम्हारा गारंटर नरेंद्र मोदी होगा, पैसा देने के लिए होगा, पैसा लेने के लिए। गंगोत्री पवित्र होंगी तो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा में 10 गंदे नाले भी आकर मिल जाएं तो गंगा अपवित्र नहीं कहलाएगी। ऊपर मोदी जी और उनकी सरकार कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का। यहां की सरकार में कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की सरकार चाहे केंद्र में रही हो अथवा लखनऊ की रही हो, आप उठाकर देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं लगे हैं, वह जेल की हवा भी खा रहे हैं, कुछ खा चुके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं।